दोस्तों आज खुशखबरी का दिन है दोस्तों। आज आरपीएफ सब इंस्पेक्टर ग्रुप ई का आंसर की रिलीज हो गया दोस्तों, और आरपीएफ ग्रुप डी का भी आंसर की रिलीज हो गया, लेकिन वेबसाइट क्रेश होने की वजह से ये ओपन नहीं हो रहा है। इसका लिंक दोबारा ओपन किया जाएगा और आरपीएफ सब इंस्पेक्टर जो जिसका 9 जनवरी का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था उसका भी एडमिट कार्ड आ गया है। तो डायरेक्ट मैं ऑफिशियल वेबसाइट में जाके दिखा देता हूँ। तो आप गूगल पे चले जाइए, यहाँ पे आरपीएफ एसआई सर्च कीजिएगा तो आपको वेबसाइट ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ओपन हो जाएगा दोस्तों, तुरंत ओपन हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे दिया गया है आंसर की रिलीज हो गया, यहाँ पे ऊपर में ही देख सकते हैं भी आंसर शीट। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा भी आंसर शीट पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रुप ई का दिया गया। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं रोल नंबर डालना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा, सिलेक्ट बैच डालना पड़ेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, लॉगिन करके देख सकते हैं आंसर की रिलीज हो गया। और यहाँ पे उसका और ये देख सकते हैं 9 जनवरी जिसका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था उसका यहाँ पे कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं ग्रुप सी का, यहाँ पे देख सकते हैं ग्रुप सी का, यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ डालिएगा तो यहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। इस प्रकार की रेगुलर वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, स्वार्थी बिल्कुल भी ना बने दोस्तों। मैं ये सब वीडियो आप ही के लिए बनाता हूँ, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों हंसते रहिए और हंसाते रहिए, और डेली हमारा वीडियो सुबह 6 से लेकर 9 बजे के बीच पाते रहिए। तो जय हिंद।